वेलकम ऑल ऑफ यू, एम ऑडिबल, गुड इवनिंग सभी को। तो क्या बच्चे कुछ बारे में गए? यस, ओके, बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड, हम स्टार्ट करते। ओके बच्चों, चलो तो पिछले क्लास हमने रिवीजन की थी। उससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर देख रहा हूँ कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए थे, मतलब ये लेट आने की समस्या है ना, वो गलत है। तो अपन स्टार्ट करते सेल्फ एनर्जी में। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, व्हाट इज सेल्फ एनर्जी, तो उसको शॉर्ट में फिर से पूरा देखते हैं अपन, है ना, और फिर अपन आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में एंड में सेल्फ एनर्जी। व्हाट सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी किसी भी बॉडी की अपनी ही चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन की एनर्जी होती है। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज सिग्निफिकेंट है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट साइज के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली हर ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट साइज का होगा, जो अपन बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। माइनूट लेवल पे जाते हैं, तो कोई भी एक अपना जैसे स्फेरिकल वाले शेप का लिया, आसान होता है हैंडल करना, इसके स्फेरिकल शेप लिया, इस पे जो चार्ज हमने दिए, मान लो उसको मैंने चार्ज करा, तो इन सब चार्ज की आपस में भी इंटरेक्शन की एनर्जी, एंड दैट इंटरेक्शन एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। तो अगर मेरे पास एक शेल था जिसकी सरफेस पे कुछ चार्ज, इस शेल की लिमिट r, तो हमने निकाला था इसकी सेल्फ एनर्जी का जो फार्मूला आ रहा था वो आ रहा था k² / 2r। कैसे कैलकुलेट करा था इसे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने एक चीज तो यूज करी थी, वर्क डन इन चार्जिंग दिस शेल। इस शेल को धीरे धीरे चार्ज करते अपन, इसका चार्ज जीरो से बढ़ाते 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 कैपिटल क्यू तक करने में हमें कितना काम करना पड़ा। एक तरीका ये होता है सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करने का, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर दूसरा तरीका एक और बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर के टर्म, स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस स्पेस में एनर्जी, द स्पेस व्हेन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड शुड हैव सम एनर्जी, द एनर्जी कंटेन्ड इन स्मॉल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में जो छोटी सी एनर्जी है उसको डिवाइड कर दे। हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी dU / dV, ये dU है ये dV है, तो ये हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ये हमने पढ़ा था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का रिलेशन। When E the electric field at that location, जिस location के बाद चल रही यहाँ पे electric field की value है यहाँ पर E। तो इस relation से भी हमने energy निकाली थी, हमने इस shell की self energy निकाली थी, क्या करा था इसके आसपास जहाँ भी electric field है वहाँ पर energy को निकाल के integrate करके add कर दिया था total, है ना। मैंने इसके आसपास एक spherical shell लिया था, spherical shell का volume हो जाएगा 4πr², तो वहाँ पे जो electric field थी half epsilon naught, electric field हो जाएगी k² / r², इसको इंटीग्रेट कर लिया था अपने, 0 टू कैपिटल आर नहीं करा था अपने, तो कैपिटल आर से इंटीग्रेट करा था, कैपिटल आर से इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट करके आपको टोटल सेल्फ एनर्जी मिली। अच्छा, मैंने ये इंटीग्रेशन 0 टू आर क्यों नहीं करा, इसको बाहर बाहर इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, इस शेल के बाहर बाहर क्यों इंटीग्रेट कर रहा था मैं, इसका कोई जवाब दे सकता है कि? इसमें शायद लिमिट आपको याद हो, मैंने इसमें कैपिटल आर को इंफिनिटी लिमिट लगाई, तो ऐसा याद है कि ये क्यों करा था, लिमिट बिल्कुल सही बता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती,
जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो एनर्जी भी नहीं होगी, तो इसके मुझे केवल बाहर का इंटीग्रेट करना चाहिए था। ठीक है, तो अपन ने सेल्फ एनर्जी निकाल के स्फेरिकल शेल। अब हम सेल्फ एनर्जी एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इसकी भी निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब चार्ज सरफेस पर रहेगा। तो वी विल फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड uniformly charged non-conducting ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक uniformly charged sphere है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, रेडियस इसके r, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज r है। ठीक है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल। अब जो क्यू चार्ज का स्फीयर है, इस स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और अंदर भी होती है, दोनों तरफ होती है, हमको ये पता है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले तरीके से कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे बाहर की एनर्जी का इंटीग्रेशन एनर्जी जोड़ना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी और अंदर की एनर्जी भी निकालना पड़ेगी, है ना। इस सिचुएशन और सिचुएशन पर क्या होगा कि यहां पे अंदर भी एनर्जी आती है, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज कॉलेज करके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शायद फॉर्मूला आपको याद हो, वो r / 3 epsilon naught होती थी, या k कैपिटल q स्मॉल r / कैपिटल r क्यूब, याद है, राइट, है ना। चलो तो इसके अंदर की अपन सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट, इसके अंदर की टोटल एनर्जी और बाहर की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जब मैं बाहर बाहर एनर्जी निकालूंगा, इसके केवल आउटसाइड रीजन में एनर्जी निकालूंगा, तो u आउटसाइड वो निकालने के हम फिर से यही वाला एक्सप्रेशन लिख के फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा पूरा हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वही होगी k / r2, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज जैसी दिखती है, उसका स्क्वायर इनटू 4 / r2 dr, इसको कैपिटल r से इंटीग्रेट करोगे बाहर बाहर की एनर्जी निकालोगे, तो इसके आउटसाइड रीजन की जो एनर्जी हो जाएगी वो तो फिर से वही वाला रिलेशन आएगा k / 2 होगा, सेम रिलेशन है, ये इंटीग्रेशन आता था हमारे पास k पर, ये टोटल एनर्जी नहीं इसकी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, तो इसके अंदर की एनर्जी भी कैलकुलेट करो, क्योंकि जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेशन होगा और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेना आप एप्सिलॉन नॉट अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती k क्यूब स्क्वायर इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल r क्यूब, am I right, लेकिन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सही की थी मैंने इनटू 4 / r स्क्वायर dr, छोटा सा शेल जैसे वॉल्यूम लेंगे यहां पर भी 4 पार्ट्स का दिया, बस नीचे इंटीग्रेट करके निकालो 4 आंसर, और ये अंदर और बाहर की एनर्जी को टोटल ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, करो k q स्मॉल r / कैपिटल r क्यूब होता है, तो k q अच्छा है k q स्क्वायर कर लेते हैं, अच्छा k q स्मॉल r / कैपिटल r क्यूब, ठीक है। अब करिए कैलकुलेट इसके अंदर कितनी एनर्जी आ रही है, और k आप जानते हैं 1/4 फ्रैक्शन ऑफ नॉट होता है, उसका यूज कर सकते हो, कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है, करो इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट, आपके आंसर आ रहे हैं, जस्ट अ सेकंड,
ओके, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर आएगा इसे सॉल्व करके वो आ रहा था आई थिंक के क्यू स्क्वायर बाय फाइव आर आउटसाइड के, है ना, ये आ रहा है देख लो, है ना, फाइव आर ही आ रहा है शायद। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी वो जाएगी बाहर बाहर की एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय टू आर प्लस अंदर वाली एनर्जी विच इज के क्यू स्क्वायर बाय फाइव आर, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सॉरी यहाँ पे फाइव नहीं टेन आ रहा है, आई थिंक टेन आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो सिक्स के क्यू स्क्वायर बाय टेन आर, या सॉल्व करेंगे तो थ्री के क्यू स्क्वायर बाय फाइव आर, फाइनल आंसर मुझे आता है थ्री के क्यू स्क्वायर बाय फाइव आर, फाइनल आंसर आ जाता है थ्री के क्यू स्क्वायर बाय फाइव आर। चलो, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की टोटल एनर्जी अपन ने निकाल दी, सेल्फ एनर्जी कितनी वो निकाल दी, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया अच्छे से, है ना, ओके बहुत बढ़िया। अब ये जो एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है ना, अब देखो आप, मैं अगर किसी ये कैपिटल आर टू इंफिनिटी का रीजन है, मैं पूरे रीजन में एनर्जी नहीं पूछता, किसी छोटे रीजन में एनर्जी पूछ लेता, मैं बोलता है स्फीयर से आर रेडियस, स्फीयर के सेंटर से टू आर से थ्री आर डिस्टेंस तक कितनी एनर्जी है, इस स्फीयर के सेंटर से टू आर से लेकर थ्री आर डिस्टेंस तक कितनी एनर्जी है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, ओनली टू आर से थ्री आर की पूछ लेता तो, है ना, बस लिमिट्स लगा दे, यस सही बात है, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करना पड़ती है आपको बस, तो वैसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं अपन को कि किसी छोटे रीजन के अंदर हमको एनर्जी कितनी वो पूछ ली, तो वो भी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, है ना, तो ये तो हो जाएगा अपने पास। अच्छा, ये जो अपने पास सेल्फ एनर्जी निकाली, इसको करने का और कोई तरीका, हमने इस शेल की सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन से भी तो करा था, इसे वर्क डन से भी कर सकते हैं क्या, सोचो, इसको वर्क डन से कर सकते हैं, सोचना क्या मैं बता रहा हूं, कर सकते इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्फीयर को धीरे धीरे ग्रो करो, धीरे धीरे स्फीयर को ग्रो करो, स्फीयर की रेडियस मान लो पहले एकदम जीरो थी, धीरे धीरे करके रेडियस बढ़ाते 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 कैपिटल आर कर दी, तो इसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ाने में इसको आपको चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, मटेरियल ला ला के इसकी सर्फेस पे ऐड करना पड़ेगा जिससे इसकी रेडियस इंक्रीज होते जाए, और उस मटेरियल को लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, तो उस तरीके से भी आप इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करो एक बार आप, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस से भी आप इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते थे, वैसे ट्राई करो एक बार आप, हिंट दिए मैंने अभी कैसे करना है तो मैं बताता हूं, आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। ना मीन वाइल ये हटा देता हूं जो अपना हो चुका है, देखो एक तरीके से और इसी की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे अपन, पूरा सॉलिड चार्ज स्फीयर उसका मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो निकाल दी, रो जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज होगा क्यू, वॉल्यूम होगा 4 बाय 3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम। नाउ ये बनाने के लिए हम मान सकते हैं कि पहले एक पॉइंट से हमने स्टार्ट करा और उस पॉइंट पे धीरे 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 करके चार्ज लगाते गए, उसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते गए, किसी समय बीच में स्मॉल आर रेडियस का हमारे पास स्फीयर था, इन एनी इन बिटवीन सिचुएशन वी हैव अ स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस, और स्मॉलर रेडियस के स्फीयर की रेडियस मुझे थोड़ी सी बढ़ाना है, मुझे आर प्लस डी आर करना है, तो आर प्लस डी आर करने के लिए मुझे डी वी वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा इसका,
द वॉल्यूम इंक्रीमेंट शुड बी 4πr² dr. इतने वॉल्यूम में चार्ज जो भी होगा वो मुझे इस पे लाके लगाना पड़ेगा, इस पे लाके मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो इतना चार्ज जब हम ऐड करेंगे तो उसका रेडियस में dr का इंक्रीमेंट होगा. समझ में आ रही है बात इतनी, है ना. इस स्फीयर को धीरे धीरे बनाने में हमने पहले किसी इन बिटवीन सिचुएशन को देखा, इन बीच की किसी एक सिचुएशन पे उसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, वहां पे रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा, dr का इंक्रीमेंट करा. तो इस dr के इंक्रीमेंट में हमने कुछ वॉल्यूम ऐड कर दिया है, जितना भी वॉल्यूम ऐड करा है उसमें जो चार्ज था उतना चार्ज इसे देना पड़ेगा. तो दिस इज द चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड सप्लाइड और एडेड टू द स्फीयर. इन्फिनिटी से चार्ज को लाके स्फीयर पर मुझे ऐड करना पड़ेगा. जब इस चार्ज को इन्फिनिटी से हम लेके आएंगे, इस dq चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी में तो पोटेंशियल जीरो था, लेकिन इस सरफेस तो पोटेंशियल होगा ना कुछ, क्योंकि स्मॉलर रेडियस का स्फीयर है उसमें अभी कुछ चार्ज था, तो उसकी सरफेस पे कुछ पोटेंशियल था अभी, है ना. इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल था, वो था k, जो भी इसमें चार्ज है इसके अंदर चार्ज लिख सकते हैं रो इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ अपॉन इसकी रेडियस. इतना पोटेंशियल था इसकी सरफेस पे, और इस पोटेंशियल पे इस dq चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाके ऐड कर दो. सही बात है क्या, ये पोटेंशियल समझ में आया कैसे लिखा मैंने. r रेडियस का स्फीयर है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा k उसका चार्ज अपॉन रेडियस, उसका चार्ज लिखने के लिए रो इनटू वॉल्यूम लिख दिया, है ना. चलो बच्चे मुझे बोल रहे यस, ठीक है. तो अब इस dq चार्ज को v पोटेंशियल पे लाके मैंने रखा, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, q dq इनटू v, जो मुझे छोटा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा होना चाहिए ना, पोटेंशियल जिसमें मैंने चार्ज को लाके रखा है इनटू चार्ज, यही होना चाहिए पोटेंशियल जगह चेंज. बस इसको इंटीग्रेट कर लो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी. वी का एक्सप्रेशन आपको बताया था, के रो 4/3 πr³ अपॉन आर इंटू डी क्यू, डी क्यू था 4πr² डी आर इंटू रो. बस ये वी डी क्यू को इंटीग्रेट करो, रेडियस ऑफ द स्फीयर 0 टू कैपिटल आर वेरी कर रही है. तो चेक करो यहां से क्या आ रहा है, यहां से रो के टर्म में अंतर आएगा, रो को आपको वापस सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर देना बाद में, ठीक है. निकालो इस और रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या हो रहा कैलकुलेट. पोटेंशियल कैसे लिखा मैंने, पोटेंशियल लिखा है के क्यू बाय आर, एक स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल होता है जो भी स्फीयर में चार्ज है, के क्यू बाय स्फीयर की रेडियस. क्यू कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम चार्ज, इस स्फीयर में जो भी वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में रो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज था, तो रो इनटू दिस विल बी चार्ज. आ रहा है क्या कशिश, समझ में आया कुछ बात. चलो सर हमने और वेरिएबल लिया है, यस हमने ये माना था ना कि स्फीयर धीरे धीरे बढ़ा रहे अपन, स्फीयर किसी समय उसकी रेडियस स्मॉल आर थी, धीरे धीरे उसको ग्रो करते जा रहे हैं, उसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, है ना. यस हाँ, तो यस इससे अब इंटीग्रेट करो तो आपको सेम आंसर मिलना चाहिए, कुछ बच्चों का आ भी गया सेम आंसर, वेरी गुड. तो इससे आंसर आप निकालेंगे तो वही आ जाएगा 3kq² / 5r, वही सॉलिड स्क्वायर की सेल्फ एनर्जी जो होती वही आ जाएगी, वही चीज है करीब वही रहे अपन, तो सेम आना भी चाहिए था, ठीक है. चलो तो हमने सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दो दो तरीके से कैलकुलेट कर ली, और करने का दो तरीके जो होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका है वो थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल हो गया, क्योंकि कई सारी जगह पे अप्लाई हो सकता है, ये वाला तरीका थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है. ये अच्छे से क्लियर सबको, अगर ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको. आगे क्या आंसर सेम सबका मिल रहा है, ओके बहुत बढ़िया.
चलो तो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत बड़ा है इनफाइनाइट लेंथ का, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, इसको पूरे को चार्ज कर रखा है हमने, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज, इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, इसके पूरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है मैंने आपको डिराइव करवाए रखी है ना। अब मुझे बताओ अगर इस सिलेंडर की मैं एल लेंथ को देखूं, तो इस एल लेंथ में अंदर अंदर सिलेंडर के अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एल लेंथ ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस आपको मैंने बता दी कैपिटल आर, कैपिटल आर का बहुत ही बड़ा सिलेंडर था, बहुत ही लंबा सा सिलेंडर था, उस सिलेंडर के मुझे एल लेंथ के अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, इनसाइड ओनली सिलेंडर के अंदर वाली एनर्जी बतानी फिलहाल आपको, करो सिलेंडर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको दोस्तों, यूज कर लो जल्दी से करो। सिलेंडर के अंदर अंदर की एनर्जी निकालनी है, तो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है वो पता होना चाहिए, वो किसके साथ वेरी करती है वो याद होना चाहिए, वो पता रहेगा तो आप छोटा सा वॉल्यूम सही से ले पाएंगे, फिर तो छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है वो लिखकर उसको इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। करो के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि नहीं, पहले चीज पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद कर लिए ना तुमने, सिलेंडर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई होप कि सभी बच्चों को याद है। यस ऋत्विक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे अंदर की पूछ रहा हूं अमित, बाहर की नहीं, अंदर इनसाइड सिलेंडर के इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप जो बता रहे हो बाहर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब देखो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, देखो कि फॉर्मूले याद नहीं होना है ना, तो प्लीज सब बच्चे सारे फॉर्मूले जो जो सिचुएशन के अपने फॉर्मूले पढ़े थे वो सब अच्छे से एक पेज पर लिखो और रोज उस पेज को रिवाइज करो, रोज उसके सारे कंडीशन के साथ सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, अंदर की क्या होती है इलेक्ट्रिकल, बाहर की क्या होती है, किन कंडीशन किस चीज की इलेक्ट्रिकल होती है, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है ये कंडीशन याद होना चाहिए, इनफाइनाइट लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। चलो इनसाइड इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर अगर मैं एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जाता हूं तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल मिलती है हमको वो मिलती है हमें रो आर बाय टू एप्सिलॉन, रो आर बाय टू एप्सिलॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर में होती है ना, स्फीयर में थ्री होता है नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ टू होता है, बस छोटा सा फर्क है, स्फीयर की रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट होती है, सिलेंडर की रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होती है तो रेडियल सिमेट्रिक यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे स्फेरिकल शेल नहीं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल ले लो, छोटा सा वॉल्यूम लेने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेल इमेजिन करो, एक सिलेंडर का शेल इमेजिन करो इस तरह से,
जिसकी रेडियस में छोटा सा अपन ने चेंज कर दिया है डीआर का, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एल डी आर। लेंथ एल ही लिए मैंने, एल लेंथ का छोटा सा सिलेंड्रिकल शेल ले लिया। अब शेल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हर जगह एक्सिस से डिस्टेंस आर है, एक्सिस से डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रोफिल कांस्टेंट हो गई, इलेक्ट्रोफिल कांस्टेंट है तो फिर आप उसको इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे अपन, है ना। चलो तो इसमें छोटी सी एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, वो थी रो आर बाय 3 2 एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर इनटू छोटा सा वॉल्यूम, वॉल्यूम ले लिया अपन ने 2 पाई आर एल डी आर। वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड सब अच्छे से क्लियर सबको, यहाँ कुछ डाउट, यहाँ कुछ डाउट इस स्टेप में किसी को कुछ भी समस्या हो, छोटा सा वॉल्यूम कैसे लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ओके आई होप कि सबको ये क्लियर है, कोई बच्चे का डाउट आ नहीं रहा मेरे पास, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 to R करेंगे, क्योंकि मैंने सिलेंडर के अंदर अंदर की एनर्जी पूछी है, 0 to R इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ आने वाला है देखो रो का स्क्वायर आर का स्क्वायर, नीचे 4 εo, ये नीचे का 2 8, 1 εo बचा, ऊपर 2 पाई से यहाँ 4 पाई 4 बचेगा, 1 पाई, 1 L, 1 R, यहाँ पे तो R का क्यूब हो गया, है ना, बस dr, सारे कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, पाई रो स्क्वायर L बाय 4 εo, R क्यूब dr का इंटीग्रेशन R की पावर 4 बाय 4, तो 4 नीचे आके यहाँ 16 हो जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी आंसर, ठीक है। पाई रो स्क्वायर L R क्यूब पावर 4 बाय 16 εo, बिल्कुल सही नियमित आपका, सही है, वेरी गुड। चलो तो इस तरह के और क्वेश्चन आ जाएंगे फिर करके, किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और वहां किसी रीजन में हमको अगर सेल्फ एनर्जी पूछ ली तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन, है ना। चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन करो। मेरे पास एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेन सरफेस है सिग्मा चार डेंसिटी, इनफाइनाइट लार्ज सिग्मा चार डेंसिटी की सरफेस है, इसके सामने इससे कुछ दूर मैंने एक सिलेंडर एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसीडर करा, ये क्यूब कंसीडर करा मैं, क्यूब इसकी साइड लेंथ ए है, इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है बताओ, एनर्जी इनसाइड क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है करो, what is the energy stored inside the cubical volume of side length a in front of a large surface of surface charge density sigma, very good। बाकी किसी का कोई रिप्लाई, एक ऋतिक का आंसर आया मेरे पास अभी तक, दक्ष ठीक है, देखते थोड़ा गलत लग रहा मुझे, मैं ठीक है यार, प्लेट की फील्ड तो कांस्टेंट होती है ना, ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है ना, बस बस इसकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसकी जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब एनर्जी स्टोर आसानी से निकाल सकते हैं अपन। तो इसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करो इनको वॉल्यूम, वॉल्यूम सीधे सीधा ई क्यू बिकॉज कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्ट ई क्यू मल्टीप्लाई करो। तो आंसर शुड बी नीचे टू का स्क्वायर फोर और एक और टू यहाँ पर है तो एट आ जाएगा नीचे, एट एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा स्क्वायर ई क्यू, दिस शुड बी आंसर। ठीक है, नीचे टू का स्क्वायर फोर हो गया और बाहर का एक टू से एट आ गया तो ये आंसर आ गया। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड सही से ही ली थी ना आपने, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, लास्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यस, बहुत बढ़िया। तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब सेल्फ एनर्जी किसी रीजन में निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ एक सिचुएशन देखते हैं जहां पर इसको यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। ओके, तो आपके मॉड्यूल में ही इस तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको देने वाला हूं, आपके मॉड्यूल के जैसा ही क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूं। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, आई हैव अ स्फेरिकल शेल जो थिक है, एक थिक स्फेरिकल शेल है मेरे पास, आई हैव अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन सेंट, ये दोनों सेम सेंटर दिखाना चाहिए उसको, यस। ठीक है, अ थिक स्फेरिकल शेल, इसकी रेडियस इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस टू आर, और एक कंडक्टर, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में पहले कोई चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं था, दिस वॉज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल शेल। नाउ मैंने क्या करा, इंफिनिटी से बहुत दूर से एक पॉइंट चार्ज को उठा के लाया और इसके सेंटर पर रख दिया, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाके यहां रख दिया। एज्यूम कि मैंने चार्ज को लाने में कहीं किसी सरफेस को कट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, बस मेरे पास जादू था उसको लाके बीच में रख दिया। ठीक है, सरफेस को कटवट नहीं करा उसको मैंने। ठीक है, पर चार्ज एकदम से सेंटर पे प्रकट कर दिया अचानक से। अब बताओ, जब चार्ज को सेंटर पे लाके रखूंगा मैं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। वर्क डन, वर्क नीडेड टू प्लेस द चार्ज, बताओ चार्ज को सेंटर पे रखने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, करिए कैलकुलेट। क्वेश्चन है ये, याद रखना अच्छे से इस क्वेश्चन में अपन जो भी सीखने वाले। यार आई एम गिविंग यू वन मिनट, करिए। एनी आंसर? अच्छा, करेंगे क्या, क्या सोच रहे हो आप, कैसे करें इस चार्ज को लाके रखने में वर्क जो करना पड़ेगा वो किस तरह से फाइंड करें? निश्चित का कुछ आंसर आया मेरे पास? निश्चित क्या, कैसे करा आपने, ये कैसे निकाला आपने, बताएंगे? सर चार्ज लाके तो सेल्फ एनर्जी बनेगी, वही वर्क डन हो जाएगा। हाँ, चार्ज लेकर आओगे तो सेल्फ एनर्जी क्रिएट होगी यहां पर,
यहाँ पर कुछ एनर्जीज क्रिएट हो जाएगी, सही शब्दों में यूज करूं मैं तो कुछ एनर्जीज आ जाएगी सिस्टम में, सिस्टम में कुछ एनर्जी क्रिएट होने वाली है। कितनी एनर्जी क्रिएट होने वाली है बस उतने ही आपको वर्क करना पड़ेगा। पहले तो कोई चार्ज था नहीं, तो पहले कुछ एनर्जी थी नहीं, चार्ज लाके रखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कुछ आ जाएगी, जितना भी आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए द वर्क डन शुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एंड इनिशियल वॉज जीरो बिकॉज चार्ज तो इन्फिनिटी था, तो केवल जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वही सिस्टम की सिस्टम को वर्क असेंबल करने में वर्क डन हो जाएगा। अब होगा क्या फाइनल ये समझो, चार्ज लाके जब रख दिया तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द चार्ज द इनर सर्फेस ऑफ द शेल दिस शेल इनर सर्फेस शुड हैव अ इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ माइनस क्यू, शुड हैव अ इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ माइनस क्यू, शेल की इनर सर्फेस का माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए। एंड बिकॉज शेल वॉज न्यूट्रल टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी आउटर सर्फेस नाउ शुड हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू चार्ज, राइट। जो आपने चार्ज लाके रखा उसकी वजह से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बाहर प्लस क्यू इंड्यूस होगा, ठीक है। तो दो दो शेल बन गई ना यहाँ पे, देखो एक ये अंदर माइनस क्यू चार्ज की शेल और बाहर प्लस क्यू चार्ज की शेल, दो शेल क्रिएट हो गए ना यहाँ पे। तो दोनों शेल में सेल एनर्जी आ गई ना, वो आपने दी होगी ना एनर्जी, भाई वो चार्ज को लाके वर्क करा आपने प्रोवाइड करी होगी एनर्जी को, ठीक है। तो एक तो सेल्फ एनर्जी आ गई सिस्टम, दूसरी चीज इन चार्जेस में इंट्रैक्शन की जो एनर्जी होती है वो भी हो सकती है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या क्या टाइप की हो सकती है, ये जो एनर्जी हो सकती है ये हो सकती है सेल्फ एनर्जी एंड इंट्रैक्शन एनर्जी। चार्जेस के इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी हो सकती है, सेल्फ एनर्जी किस किस की है, देखो दो शेल है तो दोनों की एनर्जी लिख दो, हाफ के आउटर शेल की होगी के क्यू स्क्वायर बाय आउटर की रेडियस, अंदर वाले शेल की होगी हाफ चार्ज का स्क्वायर अपॉन अंदर वाले शेल की रेडियस, नीचे 2r होता है। तो ये सेल्फ एनर्जी आएगी सिस्टम की, बोलो ये समझ में आ रहा है, सिस्टम में सेल्फ एनर्जी इतनी होनी चाहिए। दो शेल बन गए हमारे पास, एक ये r रेडियस का शेल, ये 2r रेडियस का शेल, तो दोनों की सेल्फ एनर्जी लिख दी मैंने, ठीक है। अब इंट्रैक्शन किस किस का होगा, क्या बाहर के चार्ज का अंदर से इंट्रैक्शन होता है, बाहर के चार्ज का अंदर से इंट्रैक्शन होता है, क्या बाहर के चार्ज का अंदर से इंट्रैक्शन होता है, नहीं होता है। अंदर के चार्ज मिलकर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते, अंदर के चार्ज मिलकर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते, तो इनका बाहर पोटेंशियल भी जीरो होता है, इन दोनों की वजह से बाहर पोटेंशियल भी जीरो। तो ये जो बाहर वाली सरफेस के चार्ज से इनकी कोई इंट्रैक्शन एनर्जी होगी नहीं, इन दोनों का मिलकर बाहर पोटेंशियल जीरो, तो इन दोनों का मिलकर बाहर से कोई इंट्रैक्शन एनर्जी नहीं। तो इस चार्ज का दोनों से मिलकर एनर्जी जीरो, बचे केवल इनका आपस में इंट्रैक्शन, इनके आपस का इंट्रैक्शन तो हो सकता है ना, वो कैसे निकाले। तो मुझे पता है कि शेल की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, इस शेल की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना है और वहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज एनर्जी आ जाएगी, है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज एनर्जी आ जाएगी। माइनस क्यू चार्ज की शेल है उसके सेंटर का पोटेंशियल उसकी सर्फेस वाला ही होगा इंटू सेंटर पे रखा हुआ चार्ज, ये हो गया इंट्रैक्शन की एनर्जी। ये समझ में आया क्या इंट्रैक्शन एनर्जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आउटर चार्जेस की वजह से अंदर इंट्रैक्शन होता नहीं है, या अंदर के चार्ज की बाहर फील्ड जीरो आती है पोटेंशियल भी जीरो होता है, तो बाहर के चार्ज का इन दोनों से इंट्रैक्शन का कोई एनर्जी नहीं होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी बचेगी केवल इनके आपस की। वो कैसे निकालेंगे, किसी एक की वजह से दूसरे की लोकेशन पर पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं तो चार्ज कर देंगे, या तो क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल लिख के इसका चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, या इस लोकेशन पे माइनस क्यू का पोटेंशियल लिख के चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, बस इन सबको ऐड करो तो सिस्टम की टोटल एनर्जी आ गई, और यही टोटल एनर्जी आपका वर्क डन था। तो आ गया देखो वर्क डन का आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो आंसर आ गया, देखो हो रहा है, समझो अच्छे से चेक कर लो। सर सेल्फ एनर्जी कैसे लिखी है, अरे सेल्फ एनर्जी किसी शेल की सेल्फ एनर्जी क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r होती है ना, k q square by 2r, है ना। तो ये तुमको शायद बाहर ऐसा लिख देना चाहिए k q square by 2r, एक मेरे पास 2r radius की शेल है, जो बाहर वाली शेल 2r radius की है और अंदर वाली r radius की, तो r radius की शेल की सेल्फ एनर्जी और ये 2r radius की शेल की सेल्फ एनर्जी, ठीक है।
अब जो भी इससे आंसर आ जाए वो अपना सही आंसर, जो भी आंसर आ जाए। पहला वाला टर्म देखो क्या हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर हो रहा है, दूसरा वाला हो रहा है के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, ये ऐड हो रहे हैं, तो इसमें टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो थ्री वाला हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। फर्स्ट टर्म हो गया थ्री के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो नेगेटिव आ रहा है तो आंसर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर, फाइनल आंसर देखो नेगेटिव आ गया। ठीक है अमित, अमित आपने कैलकुलेशन गलत करी थी। नेगेटिव का मतलब क्या होगा भाई, सिस्टम को ला के रखने में आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है, मतलब एक्चुअली सिस्टम खुद आना चाहता है, और कंडक्टर में चार्ज अगर आ जाएगा तो इंट्रैक्शन बेसिकली जब चार्ज बहुत दूर होगा तो चार्ज की वजह से यहाँ पास में नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होगा, कंडक्टर और चार्ज में अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से खुद आने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको नेगेटिव वर्क आ रहा है, समझे। चलो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, कहीं भी इसमें कुछ भी समस्या हो तो पूछ लो मेरे से, ऐसे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर चैप्टर में भी ऐसा होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन कैपेसिटर चैप्टर में मिलेंगे, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो उसमें। पच्चीस पुष्टि से बाहर के स्फीयर से पोटेंशियल जीरो है, नहीं बेटा ये जो बाहर का स्फीयर है इसका इन दोनों से मिलकर इंट्रैक्शन जीरो हो जाएगा ना, इस बाहर के स्फीयर की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो इन दोनों पर कांस्टेंट पोटेंशियल है, प्लस क्यू की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, नेट एनर्जी जीरो, कांस्टेंट पोटेंशियल में प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, नेट जीरो, बाहर की वजह से अंदर की इंट्रैक्शन जीरो आएगा, या अंदर का बाहर भी जीरो आएगा, किसी भी तरीके से देखो। ठीक है चलो, और किसी का कोई भी डाउट, ओके तो ये कंप्लीट हो गया, तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर तो पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन में है, वर्कड आउट इलस्ट्रेशन जो सबसे आखिरी में दिए ना उसमें, तो पहला क्वेश्चन एक जो दिया है उसका थोड़ा तरीका मुझे थोड़ा कम जमा, तो उसके थोड़ा अच्छा तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, तो उसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बाकी तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ऐसे तो क्वेश्चन तो देखो फिर इनफाइनाइट कर सकते हैं, मेन जो थ्योरी अपनी वो सारी कंप्लीट हो, ठीक। अब क्वेश्चन तो लॉजिक कई सारे बना के अलग इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलो क्या क्वेश्चन देने वाला था मैं, हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल रीजन में किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका अगर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कुछ ई नॉट उसका मैग्नीट्यूड इनटू आर स्क्वायर टाइम आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप की डायरेक्शन में ही है और इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर स्मॉल आर के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दी गई है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो आपको मैंने दे दी है, ठीक है, सेंटर से ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे जाके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो दे दी आपको, आपको मुझे बताना है स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ आर, ओरिजिन से डिस्टेंस के फंक्शन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताइए, करिए ट्राई, स्पेस में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की वो दी गई है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हो चार्ज कितना इंक्लोज है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पड़ा है, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में चार्ज इंक्लोज पड़ा था, उसका एक थोड़ा सा आगे बढ़ के एक चीज और निकाल सकते हैं चार्ज डेंसिटी, तो वो पूछ लिया मैंने आपसे, यहाँ पे करो ट्राई, एक बार आप कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। निमित पूछ रहा है सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट जेई में कितना पॉपुलर है, ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में भी ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, वहां पर इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं, तो
ठीक है, सेल्फ एनर्जी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटर में भी सेम चीज हो जाती है क्योंकि तो मिक्स हो जाके नॉर्मल चीज हो जाती है ना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सेल्फ एनर्जी का। चलो अभी जो दिया क्वेश्चन है वो ट्राई करो। वॉल्यूम चार डेंसिटी निकालनी थी आपको, रो इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। ऋत्विक का आंसर भी आ गया, वेरी गुड ऋत्विक, बहुत बढ़िया, देखते सही है कि नहीं। ऋत्विक आप भी चेक कर लो मीन वाइल, मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद गलत हो सकता है तो प्लीज चेक कर लो एक बार। अदिति का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, कैसे करा कुछ बता सकते हैं? ऋत्विक अदिति दोनों बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, कैसे करा? सर स्पीयर समझ के सर वो चार्ज निकाल लेंगे, हाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा गलत है ऐसा, देखो आर रेडियस के अंदर कितना चार्ज आएगा पहले तो ये निकाल लो, ये बात तो बिल्कुल सही करिए आप। ठीक है, आर रेडियस में चार्ज कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, जो भी चार्ज आ रहा होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट जो होना चाहिए फ्लक्स, और फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन छोटा सा एरिया वेक्टर लेके ओवर द कंप्लीट सरफेस। तो यहाँ फोर पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे जगह पर आर वेक्टर पे डिपेंडेंट है, आर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस आर वेक्टर, और उसी तरफ अपन एरिया वेक्टर भी डायरेक्शन लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली डी ए बचेगा, यहाँ पर छोटा सा एरिया बच जाएगा। अब ये स्मॉल आर पूरे स्फीयर पे सेम ही होगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो ई नॉट आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन डी ए फोर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चार्ज इंक्लोज आ गया एप्सिलॉन नॉट उधर भेजे तो इतना तो सही है आपका, चार्ज इंक्लोज तो सही निकाला अपन, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट फोर बाय आर की पावर फोर, स्मॉल आर की पावर फोर। ठीक है, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ आर निकालो, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि ये रो कॉन्स्टेंट थोड़ी है, कॉन्स्टेंट होगा तो चार्ज बाय वॉल्यूम करना सही है, पर रो कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन, बोलो? अगर रो डिपेंडेंट है रेडियस पे तो रो कॉन्स्टेंट तो है नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम चार्ज बाय सीधा सीधा वॉल्यूम करके थोड़ी निकाल सकते रो। ठीक है चल, तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये देखो कि रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूं, अगर मैं रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूं तो चार्ज में कितना इंक्रीमेंट होगा, अगर इसे डिफरेंशिएट कर दे तो छोटा सा चार्ज में इंक्रीमेंट वो लिख सकते हैं अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट 4 टाइम आर की पावर 3 इंटू डी आर। ये समझ में आया क्या, रेडियस में इंक्रीमेंट से चार्ज का इंक्रीमेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूं मैं, है ना? और यहां देखो स्फीयर पे, अब स्फीयर में रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा मैंने तो यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, रेडियस में इंक्रीमेंट करने से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का, एम आई राइट? ये दोनों चीज अच्छे से देखो समझ में आ रही है कि नहीं? यस अमित बिल्कुल सही। ठीक है भाई, रेडियस में इंक्रीमेंट करने से छोटा सा चार्ज का इंक्रीमेंट ये हुआ, और यहाँ रेडियस में इंक्रीमेंट करने से वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है वो स्मॉल आर रेडियस पे हुआ है, तो वहां की जो वॉल्यूम चार्ज, वहां की जो रो की वैल्यू है रो इंटू डीवी, वो चार्ज का इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, अगर इतना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है तो चार्ज का इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, डी क्यू, ये होना चाहिए ना रो जो भी है इंटू डीवी, बताओ dq should be rho dv, am I right? यहाँ पे जो भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ इंटू रो, वो रो कॉन्स्टेंट है, वो r की पे है ना, बस इसको इधर इक्वेट कर दो, दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू रो dv, तो यहां से डिवाइड करके अब रो आ जाएगा देखो अपने पास। ठीक है, dv की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, वो लिखी थी देखो ऊपर, वो रख दो यहाँ पे, दिस वॉज 4 बाय आर स्क्वायर डी आर
नाउ अब देख लो क्या आएगा आंसर, देखो क्या आएगा। हाँ मेरे पास एक डाउट आ रहा है, ये इंक्रीमेंट वाला समझ नहीं आया। ओके ये बताओ आपको एक आर रेडियस की स्फीयर में कितना चार्ज है ये पता है, ठीक है। इस रेडियस में थोड़ा सा अगर इंक्रीमेंट कर दूं मैं तो नया स्फीयर हो जाएगा मेरे पास आर प्लस डी आर रेडियस का। उस स्फीयर में चार्ज भी निकाल सकते हो ना, उस स्फीयर का चार्ज भी निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब इनमें जो डिफरेंस होगा, जो चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ है वो केवल इस रीजन के चार्ज का इंक्रीमेंट है, तो ये वॉल्यूम इनटू अगर रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है तो यहां जो भी रो की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए ना। द इंक्रीमेंट इन चार्ज शुड बी रो डीवी। बात समझ में आई क्या कशिश, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ वो था 4 पाई आर स्क्वायर डीआर, और अगर उस लोकेशन पर रो की वैल्यू रो है तो रो इनटू वॉल्यूम का इंक्रीमेंट शुड बी द चार्ज। डीक्यू चार्ज इन द डीवी वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज होना चाहिए, तो छोटा सा वॉल्यूम इनटू चार्ज होना चाहिए था, चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए थी। तो वॉल्यूम अपन ने क्योंकि रो आर के फंक्शन में है तो मैंने स्फेरिकल वॉल्यूम ले लिया, स्फेरिकल शेल जैसा वॉल्यूम ले लिया और अपन इस तरह से कर दिया। देखो अब सब बच्चे देख लो अच्छे से, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ समस्या हो तो पूछ लो मेरे से। बोलो इट इज क्लियर। यस ओके बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया है फिर तो, है ना। ओके तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना पूरा हो गया है। एक इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो मुझे और बता देना चाहिए आपको। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा, है ना। आज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा मेहनत करके आना, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ये इनफाइनाइटली लार्ज है, ये इनफाइनाइटली लार्ज, बस इसकी एक सरफेस तुम्हारे सामने, उसके अलावा दूर दूर तक तुम्हें कंडक्टर ही दिखता है, समझ में बात। एक मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी एक सरफेस तुम्हें दिख रही है लेकिन उसके अलावा बाकी सारी सरफेसेस इंफिनिटी पर है, समझ पा रहे हो कैसा कंडक्टर है ये। ये जो सरफेस है तुम्हारे सामने, इसके अलावा बाकी सारी सरफेसेस इसकी इंफिनिटी पर, तो तुम्हें सामने से देखने पर बस एक ना प्लेट जैसा, एक अपन को शीट जैसा दिखेगा, कंडक्टिंग शीट दिखेगी और जिसके अंदर सब तरफ कंडक्टर कंडक्टर है। सिचुएशन समझ में आ रही है, चलो यस बच्चे बोल रहे यस बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, इसके सामने कुछ दूर पर इससे डी डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लग गया प्लस क्यू, इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, डी डिस्टेंस पे क्यू रख दिया, जैसे बोर्ड है ना तो बोर्ड से परपेंडिकुलर यहाँ गया और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ, कितना चार्ज है क्यू, कितनी डिस्टेंस पे डी, ठीक। अब इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे क्या, क्या इंड्यूस चार्जेस आएंगे, यस वेरी गुड बहुत बढ़िया, है ना। तो उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से मैं अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो मुझे बता सकते हो क्या, इस सरफेस पे जो इंड्यूस चार्जेस है उनकी वजह से अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो मुझे बता सकते हो क्या, उन इंड्यूस चार्ज की वजह से अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बता सकते हो क्या, ये कंडक्टर था। आया ना, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया, इंड्यूस चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उमित बोल रहा बता सकते, ऋतिक बोल रहा बता सकते, वेरी गुड, कैसे कैसे निमित गलत, सिर्फ इंड्यूस चार्ज की पूछी मैंने, कैसे यस कशिश बिल्कुल सही, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस ऑन द सरफेस मिलकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी वो मिलकर जीरो होगी, है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो आपको इंड्यूस चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते आती है, अगर अंदर आती है तो बाहर भी लिख सकोगे आप, आपको बाहर भी आ जाएगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको बाहर भी आ जाएगी, और बाहर भी आ जाएगी तो इस पर इंड्यूस चार्ज के वजह से फोर्स क्या लग रहा है वो भी निकालता जाएगा, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि इस पर इंड्यूस चार्ज के वजह से फोर्स क्या निकलेगा, आपको क्वेश्चन ये बताना है कि फाइंड द फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू कंडक्टर, ठीक है। ये नहीं करवाया था मैंने इलेक्ट्रिकल वाली करा दी थी, ये नहीं कराया था। चलो अब समझ में आया क्वेश्चन क्या है मेरा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि आपको थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा था मैं कि कैसे क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, वो हिंट दे दी मैंने आपको, ठीक है। अब वो हिंट दे दिया मैंने आपको, अभी क्वेश्चन ट्राई करना, कर लोगे? यस, ओके, वेरी गुड। चलो तो इसी के साथ आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश, ग्रेविटेशन का एक बिगिनर बॉक्स और बचा है आपके मॉड्यूल में जो दिया है। मोस्ट ऑफ द ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेशन की थ्योरी में आपको ऑलरेडी रिविजन क्लास में करा चुका हूँ, तो मैं उसको फॉर्मली एक बार करा दूंगा। आप लोग फिर भी खुद से पूरा ट्राई कर सकते हो, बिगिनर बॉक्स आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। चलो आज अपन अभी आप मेरे काफी बिगिनर बॉक्स आपको दिए हुए थे होमवर्क में, एक्सरसाइज वन पूरी होमवर्क में दी थी, तो उनके डाउट कुछ हो तो पहले तो आज वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोसिटी का जो भी मटेरियल मिला है आपको, अब वो सब आपको करते जाना है और डाउट पूछते जाना है। तो आज अपन बिगिनर बॉक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो अगली क्लास में भी पूछ लेना। एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज टू ये अपन क्लास में डिस्कशन करके खत्म करेंगे, और बिगिनर बॉक्स जो ग्रेविटेशन वाला है उसकी मैं थोड़ी थ्योरी बता दूंगा, फिर वो वाला बिगिनर बॉक्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो आज अपन बिगिनर बॉक्स चालू करते, मुझे तो याद है 8 तक तो डिस्कस करा चुका था मैं, बिगिनर बॉक्स 8 तक, 9 और 10 बचे थे, है ना, सही बात है क्या? 8 तक तो हो गया था, 9 और 10 बचे थे, तो अब आपके डाउट निकाल लीजिए। जो भी आपकी डाउट्स है बिगिनर बॉक्स में निकाल लीजिए जल्दी से। ओके, अब बीबी 9 पहले डिस्कस करते हैं अपन, तो मैं मेरे पास ओपन कर ले रहा हूं बीबी 9, जस्ट अ सेकेंड। एक दो मिनट रिक्वायर, आ गया। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे कैपेसिटर के बाद, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग चाहो तो किताब विताब से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अभी मुझे एक आध लेक्चर लगेगा डिस्कशन वगैरह पूरा कराने में, उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो बीबी 9 में आपका डाउट आ रहा है मेरे पास 15 और 16 आया, और किसी को कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा। अभी 15-16 कर रहा हूँ मैं, 15। टू कॉन्सेंट्रिक शेल आर एन टू आर क्यू एन क्यू बी, पोटेंशियल दे रखा है इनका, शेल बी को अर्थ कर दिया तो नए चार्जेस दे दिया, पूछा है कुछ तो इसमें समस्या क्या है, मुझे डाउट क्या है इसमें ये भी बताओ थोड़ा सा। अमित बता सकते हो क्या सर, उसकी एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा देंगे। देखो दो शेल दिए ना, शेल तो शेल का पोटेंशियल लिखने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी पोटेंशियल लिख सकते हैं। मान लो इसका चार्ज क्यू है और इसका क्यू भी था, अंदर की रेडियस आर और बाहर वाले की 2R थी, तो ए शेल का जो पोटेंशियल होगा वो उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाय आर, और बाहर वाले चार्ज की वजह से होगा के क्यू बी बाय 2R, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा के क्यू बी बाय 2R। ये शेल का टोटल पोटेंशियल, शेल बी का टोटल पोटेंशियल होगा के क्यू ए बाय 2R, ये अंदर के चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल, प्लस उसके खुद के चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल, और ये हमको दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3/2। तो अब मैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है चार्ज, मैं दोनों चार्ज निकाल सकता हूँ, और दोनों चार्ज अगर निकल गए तो पहले पार्ट का आंसर देख लेंगे अपन, समझे क्या? यस सर, है ना। अब दूसरा पार्ट में क्या करा उन्होंने, देखो उन्होंने ग्राउंडिंग कर दी बाहर वाली शेल की,
तो ग्राउंडिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ग्राउंड करने से क्या हो जाता है बताओ, पोटेंशियल जीरो हो जाती है। वेरी गुड, अब इसका चार्ज बदल सकता है ना? हाँ सर, एक्स चार्ज लेके कर सकते हैं। हाँ मतलब चार्ज बदल के क्यू भी डैश कर दिया, तो वी बी न्यू, वी बी नया वाला वो जीरो होना चाहिए, वी बी डैश शुड बी जीरो, वो होना चाहिए के क्यू ए बाय टू आर प्लस के क्यू बी डैश बाय टू आर, उसका मैंने चार्ज मान लिया क्यू बी डैश हो गया। अब इसको जीरो करने से देखो अपन को कंडीशन क्या दिख रही है, क्यू ए इक्वल टू माइनस क्यू बी दिख रहा है, तो दोनों पर चार्ज इक्वल एंड साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो उन्होंने सी बी ऑप्शन जो दिया है ना उसमें रेशो वन दे दिया, रेशो तो माइनस वन आ रहा है ना, यहाँ से गलत है उनका, समझे क्या? यस सर। ठीक है चलो, और तो ये हो जाएगा फिर पूरा आगे, पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर अर्थिंग, ए का पोटेंशियल अर्थिंग के बाद बताना है, तो तुमको इसका चार्ज मिल चुका है वो इसके बराबर ही है, बस नेगेटिव है, तो इसका पोटेंशियल अब नया वाला निकाल सकते हो अर्थिंग के बाद का, अर्थिंग के बाद जो ए का पोटेंशियल होगा वी ए डैश वो हो जाएगा के उसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, उसमें आर लेंगे नीचे, और दूसरे का चार्ज वो इसका ठीक नेगेटिव ही तो था जब अपन ने प्रूव करा था अपॉन टू आर, तो नया पोटेंशियल ये कितना आ गया के क्यू ए बाय टू आर, और क्यू ए की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाली होगी, वो यहाँ पर रख देना, यहाँ से क्यू ए की वैल्यू निकाली होगी यहाँ रख देना, तुम्हारा काम हो जाए। ठीक चलो, अब मुझे लगता है कर सकते हो आगे की चीजें, हो जाएगी क्या? नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, मतलब आप मुझसे पूछोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा कुछ। इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन आया क्या? हो जाएगा, अच्छा ठीक है, आप अटेम्प्ट कर लेना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हो। चलो 16 वाला भी डाउट है, 16 तो यार अपना ये तो प्लेट थ्योरी है बिल्कुल, और क्या, फिगर शोज टू इनफाइनेटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 इज ई, फाइंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इन टर्म्स ऑफ ई। तो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो तो केवल फेसिंग चार्जेस की वजह से होती है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, हमें तो पता ही है, हमने पढ़ा ये प्लेट थ्योरी में भाई, अगर कंडक्टिंग प्लेट्स की सरफेसेस के चार्ज है यहाँ पर सिग्मा 1 या सिग्मा 2 या सिग्मा 3 या सिग्मा 4, हमने थ्योरी पढ़ी है कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, वो जो है बीच में इलेक्ट्रिकल होती है ना वो इनकी इलेक्ट्रिकल का एडिशन ही होती है, वो इनका सिग्मा जो भी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, बाय 2 होता है, दोनों के ऐड होकर वो 2 गायब हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में दे रखी है, तो सिग्मा 2 या सिग्मा 3 का मैं सिग्मा 2 या माइनस सिग्मा 3 ये आ जाएगा मेरे पास ई टाइम एप्सिलॉन नॉट, समझे? ये चीज समझ में आई, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये वाला क्लियर हुआ क्या? उसके बाद क्या बोला उन्होंने, स्टेट वेदर दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू पॉइंट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 4 इन टर्म्स ऑफ ई, तो सिग्मा 1 सिग्मा 4 ई के टर्म में नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, इन दोनों चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, तो सिग्मा 1 और 4 नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है, रिलेशन निकालना 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 इक्वल होना चाहिए, हमने पढ़ा था बाहरी बाहरी सरफेस पे आधा आधा टोटल चार्ज का आधा आधा होता है, इक्वल इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। चलो क्लियर क्या, और कोई डाउट इसका? कशिश का एक डाउट आया है, सर एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट में चार्ज डेंसिटी हमेशा इक्वल होगी ना आउटर सर्फेसिस पे? हाँ, एक अकेली प्लेट है जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, एक आइसोलेटेड प्लेट है, यस, तो उसको चार्ज दो तो दोनों सरफेस पे इक्वल इक्वल चार्ज होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो बीबी 9 में और कोई डाउट? आप लोगों ने करे तो थे ना बीबी 9 के क्वेश्चन, बहुत आया मेरे पास डाउट, ठीक है यार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे मेटल है ना वहां वहां जीरो हो जाएगी, तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है थी प्लेट्स के बीच में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 300 और पहले 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा, और नए में डिस्टेंस 4 हो जाएगी बस,
क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेटल एक सेंटीमीटर की तो नए डिस्टेंस चार बचेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया? जहां मेटल आ जाती है ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर बाहर उतनी बचेगी, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आ जाएगा। बाद वाला पोटेंशियली तो बता रहा हूं मैं भाई, टोटल 5 सेंटीमीटर गैप थी, 1 सेंटीमीटर में मेटल आ गए, तो बची हुई एयर में कितनी गैप है, 4 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब 4 सेंटीमीटर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मेटल है। आ रही की बात समझ में? मेटल के अंदर तो जीरो होगी ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल के अंदर जीरो है इसलिए तो अपन ने बाहर बाहर के लिए, मेटल के अंदर तो जीरो हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी आएगा। कशिश ओके है ना, मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास कि दो प्लेट थे आपके पास जिनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्वेश्चन ये था कि दो प्लेट है आपके पास जिनके बीच में यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितनी गैप है इन प्लेट्स के बीच की, 5 सेंटीमीटर, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है डिस्टेंस पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब क्या करा उन्होंने, इनके बीच में एक मेटल की प्लेट डाल दी, तो मेटल प्लेट अनचार्ज थी, क्वेश्चन में पढ़ो वो अनचार्ज है, उसको कोई चार्ज वार्ज तो है, तो चार्ज नहीं है तो उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, बस इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई क्योंकि ये मेटल है कंडक्टिंग है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में बची है, ये गैप हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, अब 4 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बची ना, तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 सेंटीमीटर आना चाहिए ना, समझ में आया क्या ये? कशिश इज दिस क्लियर? यस ओके बहुत बढ़िया। सर अगर ये मेटल किसी प्लेट के ज्यादा पास में होता और किसी एक प्लेट से दूर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटल पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पर आएगा नेगेटिव और उधर पॉजिटिव है ना, और इन चार्जेस की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखोगे मेटल के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उधर देखोगे तो जीरो, तो ये डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की कांस्टेंट टाइप होती है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट थोड़ी होती है, ठीक है ओके वेरी गुड। और कोई डाउट BB9 में? BB9 में किसी और को कुछ भी डाउट? और कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते फिर। और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट इसमें पक्का? BB10 पे आ जाए फिर, 10 कराए कि नहीं अभी? मेरे पास एक डाउट आया क्वेश्चन 17 का, BB10 भी होमवर्क में है, वो भी करके लाना है, एक्सरसाइज 1 भी होमवर्क में, 2 भी होमवर्क में, पूरा मॉड्यूल होमवर्क में, BB11 ग्रेविटेशन का वो भी होमवर्क में, क्योंकि उसके सारी थ्योरी में ऑलरेडी रिविजन क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो पूरा हो जाएगा आपसे बिगिनर बॉक्स 11 भी, वो भी होमवर्क में, ठीक है। चलो मेरे पास एक डाउट आया है इसका आखिरी क्वेश्चन, BB9 का आखिरी क्वेश्चन। देखो BB9 के आखिरी क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि मेरे पास एक है ना सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर और बाहर दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर वो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, तो अंदर और बाहर जिन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कई सारे पॉइंट दिखेंगे मुझे, सरफेस से अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऐसे कई सारे पॉइंट दिखेंगे जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम आएगी, समझ में आ रहा है? ग्राफ से समझ के देखो ये,
मतलब कि एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है तो सरफेस से कुछ दूर अंदर और कुछ बाहर, यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो ऐसे मेरे पास कई सारे पॉइंट दिख रहे हो ना, जैसे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एकदम सेंटर पे होगी और यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जीरो होगी, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी भी सेम है, ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इनका रेशियो भी अच्छा, ये डिस्टेंसेस अलग अलग टाइप की है, तो रेशियो कई सारे तरह के रेशियो आएंगे, ठीक है, इसलिए आंसर उसका डी आएगा। चलो और कोई डाउट, एक्सरसाइज वन पे आ जाते हैं अब अपन, एक्सरसाइज वन भी मैंने आपको होमवर्क में दे रखी थी, तो एक्सरसाइज वन पे आ जाते हैं। चलो वर्कड आउट इलस्ट्रेशन सारे करना चाहिए आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वर्कड आउट इलस्ट्रेशन में, जैसे इलस्ट्रेशन 5 इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप करिएगा देखना मजा आएगा आपको, इलस्ट्रेशन 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब इलस्ट्रेशन करिएगा, है ना। चलो अब एक्सरसाइज वन बताओ, पहले पेज पे नो क्वेश्चन है, नो क्वेश्चन में कोई डाउट एक्सरसाइज वन में। क्वेश्चन 5 आया मेरे पास, टू चार्जेस पार्टिकल ए एंड बी केप्ट इन एयर, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज 100, इफ दे आर प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 एट सेम सेपरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू मीडियम, मीडियम की वजह से फोर्स क्या है पूछा है, तो आपने क्या समझा, क्वेश्चन पूछा क्या उन्होंने, क्या समझा, मीडियम की वजह से फोर्स पूछा है, ये समझा, जब चार्जेस को मीडियम में डालते हैं तो उनके बीच का नेट फोर्स कम हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, चार्जेस को जब हम किसी मीडियम में डालते हैं तो उनके बीच का नेट फोर्स कम हो जाता है, ये पढ़ा है हमने, है ना, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि मीडियम भी फोर्स लगाता है एक तरह से, आप ये सोच सकते हो कि चार्जेस का अपना फोर्स तो वही था लेकिन मीडियम ने क्या करा, उनके बीच उनके उनमें और फोर्स लगा दिया, तो किसी भी एक चार्ज पर मीडियम का फोर्स और चार्जेस के बीच का फोर्स, जैसे दो फोर्स हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया, समझे, ड्यू टू मीडियम भी एक फोर्स लगता है, इसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है, तो जो डिक्रीमेंट हुआ ना फोर्स में वो मीडियम की वजह से, मीडियम के फोर्स की वजह से होता है। अब शायद कर पाओगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है तो नया फोर्स हो जाना चाहिए था 20, फोर्स में डिक्रीमेंट 80 न्यूटन का हो गया, तो 80 न्यूटन मीडियम की वजह से क्रिएट हो जाना चाहिए था, तो आंसर सी। कुछ बुझा, समझ में आई क्या बात ये, या ओके वेरी गुड। चलिए पहले पेज पे 9 क्वेश्चन थे, 9 में से और कोई भी डाउट है क्या आपको, 9 क्वेश्चन में और कोई भी डाउट है क्या, नो, वेरी गुड। चलो अगला पेज पे आ जाते हैं अब हम, तो नेक्स्ट पेज में मुझे 17 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो बताते जाओ 17 तक कोई अगर डाउट हो तो आपको, 13 डाउट आ गया मेरे पास, 13 नंबर, चलो 13 नंबर बता देता हूँ मैं, अ डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन आर्क ऑफ रेडियस आर सबस्टेंडिंग एट एन एंगल पाई बाय 2 एट इट्स सेंटर वेयर अनदर चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें आपको समस्या क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझे, आपको क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन सर, सर मैंने पहले चार्ज मतलब डी क्यू चार्ज के वजह से डाइपोल मोमेंट निकाला, पर इंटीग्रेट करने के बाद क्या बोलते हैं उसको आर पाई बाय 2q डी क्यू आ रहा था मेरा, फिर से बोलो क्या लिखा था डाइपोल, सर मैंने डीपी लिखा था डी क्यू डॉट आर, डॉट नहीं मतलब डी क्यू इंटू आर, और आर वेक्टर क्यों नहीं लिखा, आर वेक्टर, हाँ तो आर वेक्टर डायपोल मोमेंट स्केलर होता है वेक्टर होता है, वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्टेंस लेते हैं, हाँ तो क्या समझ में आ रहा है इसका भैया, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, तो जैसे मान लो कि ये क्वार्टर आकर रखी थी, हमें नहीं पता कहाँ रखी थी, मैंने ऐसे मान लिया कि क्वार्टर आर इस तरह से रखी थी, ठीक है, तो मान लो अपन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर जाकर देख रहे थे, यहाँ पे छोटा सा अपन ने एंगल काटा है डी थीटा का, तो यहाँ पे जो भी चार्ज आ रहा होगा डी क्यू उसका पोजीशन वेक्टर क्या है वो मल्टीप्लाई करते हैं अपन डी क्यू में,
पोजीशन वेक्टर अगर ये रेडियस आर की तो हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये होना चाहिए छोटा सा डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट वेक्टर होता है बस। अब इसको इंटीग्रेट करने का काम बचा है तुम्हारा, डी क्यू कितना लिखोगे? ये हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज जो भी था अपॉन ये लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी पाई आर बाय टू है ना, इंटू यहाँ की छोटी सी लेंथ वो लिख देना आर डी थीटा, ठीक है, इंटू ये पूरा आर वेक्टर। यस सर, हो गया, हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। यस, अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टरली ही लिखना चाहिए और वेक्टरली जोड़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होती है, उसमें भी ऐसी गलतियां होती है बच्चों से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, आंसर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है तो जो भी आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर देख लेना, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में सारे मैग्नीट्यूड दिए तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा फाइनली जो आएगा उसका। मैग्नीट्यूड आई थिंक निकाल सकते हो वेक्टर का। चलो और कोई डाउट? और कोई इस पेज पे डाउट है क्या? 17 क्वेश्चन तक आपने करे है कि नहीं अभी क्वेश्चन? नहीं करे हो तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपन फिर बोलो, कोई ऐसा सजा थोड़ी दूंगा, बता दो नहीं करे तो फिर अगली क्लास में करेंगे। नो डाउट, डन, वेरी गुड, नहीं करे किसी वजह, ठीक है। अब एक काम करो, ठीक है, आज मैं यहाँ रुकता हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ देते हैं आपकी क्लास, तो आपका अगली क्लास का होमवर्क, अब अगली क्लास में एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, देखो बीबी 9 और 10 कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 1 तो मैं काफी पहले दे चुका था, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बीबी 9 और 10 एक्सरसाइज 1, इतना कम से कम करके आना कल। कल ग्रेविटेशन का थोड़ा सा मुझे आइडिया देना है आपको, थोड़ा थ्योरी ग्रेविटेशन की डिस्कस करना है वो करके अपना चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और डिस्कशन साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। संडे टेस्ट है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, तो पूरा डिस्कशन संडे तक करना है अपन को कंप्लीट, तो आप लोग करोगे क्वेश्चन तो डिस्कशन कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो इस संडे तक आपको सारा चीज कंप्लीट कर लेना है, सैटरडे की, सैटरडे आखिरी आपका ये मौका है डिस्कशन का, ठीक है। चलो क्लियर, फिर अपन एंड करते हैं यहीं पे क्लास आज। बाय सबको, टेक केयर, मिलते हैं, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।